दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के एक छोटे से ग्राम सभा में आए हैं, जिसका नाम कनक सलेथू के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इस गन्ने की हकीकत दिखाने वाले हैं। गन्ने का जूस तो सभी ने पिया होगा, लेकिन इससे गुड़ कैसे बनाते हैं आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस गन्ने के खेत से बस थोड़ी ही दूर पर वो गुड़ बनाने का प्लांट लगा है, जहां का आपको वीडियो हम सीधा दिखाते हैं। दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसा हम गुड़ के प्लांट पर आ गए हैं। इस प्लांट को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो में देख रहे हैं आप, ये प्लांट सीधा इंजन से चलता है। दोस्तों आप वीडियो में जैसा देख रहे हैं कि इस काम को करने के लिए लेबरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों गुड़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। गन्ने का जूस इन बड़े कराहों में गर्म हो रहा है, जिससे गुड़ बनेगा। आगे हम आपको गुड़ बनाते ही दिखाएंगे, लेकिन आप हमारे वीडियो में बने रहिए। पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गन्ने से पेरी हुई कुई पीछे निकाली, ठीक ये कोलू है, देख रहे हैं। यहाँ पर लेबर जुटे हुए हैं। ये नाली है जिसके माध्यम से रस निकलकर सीधा दो बड़े गड्ढों में आता है। ये गड्ढे हैं जिनमें रस आता है, इन्हीं गड्ढों के माध्यम से निकलकर इधर इन कड़ाहों में आता है। ये वो भट्टी है जिससे जिसमें रस गर्म करते हैं। कुही को कोल भट्टी में डालकर जलाते हैं। ये कुही है, दो देख रहे हैं, लेबर जुटे हुए हैं। ये रस है जो गर्म हो चुका है, देख रहे हैं आप, सीधा बड़े कराहों में डाला गया। आगे इस तरफ आपको हम दिखाते हैं चलकर कि कैसे गुड़ को बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा उस गन्ने के रस को इकट्ठा करके यहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है, देख रहे हैं आप। जैसा वीडियो में ये छोटी छोटी लड्डू टाइप गुड़ बनाकर मार्केट में इसी को उतारते हैं। यही गुड़ प्रसाद के रूप में भगवान पर भी चढ़ता है, दवा के रूप में भी खाया जाता है। चलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहिए। एक सफाई के लिए थोड़ा सा केमिकल डालकर इस रस को साफ करते हैं, उसके बाद इसको सूखा कर इसका गुड़ बनाते हैं। जैसा आप वीडियो में देख चुके हैं कि गुड़ बनता है, आप देख सकते हैं कि ये रसों का सैंपल यहाँ टंगा धरा हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।